हाय गाइस, वेलकम टू माय स्मार्ट वर्ल्ड यूट्यूब चैनल। दिस इज मंजीत। तो आज के एपिसोड में बात करने वाले हैं एक जानी मानी डॉग ब्रीड के बारे में, जिसके ऊपर हमेशा से एक कंट्रोवर्सी चली आई हुई है, जो है पिटबुल। क्योंकि दोस्तों, काफी लोगों का मानना है कि पिटबुल एक काफी अग्रेसिव डॉग ब्रीड है, बट बहुत से लोग ये भी मानते हैं कि भाई पिटबुल एक काफी अच्छी कंपेनियन प्लस फैमिली डॉग ब्रीड है, जिन्हें कोई भी फर्स्ट टाइम ओनर इजीली रख सकता है। बाकी इस बारे में आप लोगों के ओपिनियन क्या है, ये चीज मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं कि पिटबुल फर्स्ट टाइम ओनर्स के लिए सही है या फिर नहीं। तो इनके बारे में बात करने से पहले, अगर आप लोग चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं और आप लोगों को कोई डॉग ब्रीड परचेज करनी है, तो भाई हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड साथ में बेल के आइकन को प्रेस करके उसे ऑल पर करें, ताकि मैं जितनी भी वीडियो डालूं आप सभी को उनकी अपडेट्स मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप लोग इन पपीज की क्वालिटी देखें। यार, पपीज बहुत ही शानदार क्वालिटी के हैं और उनकी आईज का कलर जो है वो भी काफी यूनिक सा है, जो कि इनके कलर के अकॉर्डिंग है। तो पपीज दिखने में तो काफी ब्यूटीफुल हैं, साथ ही साथ क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है। तो क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा और उसी के हिसाब से उन्होंने प्राइस भी काफी जेन्युइन सा रखा है। आप लोग एक डिसेंट से प्राइस में इन पपीज को परचेज कर सकते हो। ओनर के पास सिर्फ ये दो ही पपीज अवेलेबल है, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल है। तो जो ग्रे कलर में है वो है मेल पपी और जो व्हाइट एंड ब्राउन कलर में है वो है फीमेल। बाकी दोनों का कलर काफी खूबसूरत है। वैसे इस एज के पपीज को परचेज करना आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट रहता है, बिकॉज ये पपीज 2 मंथ्स के हो चुके हैं। बट मुझे ये कंफर्म नहीं है कि उन्होंने इनकी वैक्सीनेशन स्टार्ट करवा दी है या फिर नहीं, ये चीज आप लोग उनसे जरूर डिस्कस कर लें। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस एज के पपीज को काफी अच्छे से पता होता है कि उन्हें कहाँ पर गंदगी करनी है और कहाँ पर नहीं। वैसे पपीज जो है ये फुल्ली एक्टिव है और ये चीज आप लोग वीडियो में देख ही रहे हैं। तो आप में से जो भी मेरा भाई इन पपीज को परचेज करना चाहता है, तो ये पपीज आप लोगों को नंगला एरिया नियर द्वारका दिल्ली NCR से मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, पपीज को आप लोग देख ही चुके हैं, तो अब बात करते हैं इनके पेरेंट्स के बारे में। तो ये देखिए गाइस, ये जो आप लोग देख रहे हैं ये है इन पपीज की मदर, जो कि एक्सीलेंट क्वालिटी में, और आप लोग इसकी हेल्थ और इसका हेड साइज देखिए, जो कि काफी जबरदस्त है। और ये है इन पपीज के फादर, भाई फादर भी काफी अच्छी क्वालिटी में है। तो इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था कि क्वालिटी में आप लोगों को कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इन पपीज की एज और लोकेशन तो ये मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता ही चुका हूँ। तो अगर बात करें डिलीवरी के बारे में, तो ओनर जो है वो आप लोगों को सिर्फ आसपास के एरियाज में ही डिलीवरी प्रोवाइड करा पाएंगे, बट मैं प्रेफर करूंगा कि आप लोग ओनर को विजिट करके ही इन पपीज को परचेज करें। वैसे आजकल की इस बिजी लाइफ में लोग डॉग्स को परचेज तो करना चाहते हैं, बट उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो किसी के पास जाकर डॉग को परचेज करके लाएं। एनीवेज दोस्तों, अगर इन पपीज के प्राइस के बारे में बात करें, तो भाई पपीज एक्सीलेंट क्वालिटी में है और ओनर जो इनके प्राइस की डिमांड की है वो मेल की के 9,000 पीस 9,000 रूपए एंड फीमेल की के जस्ट 8,000 पीस यानी सिर्फ 8,000 रूपए। बाकी ये जो प्राइस है ये भी नेगोशिएबल है। तो आई होप ये डॉग देखकर आप लोगों को थोड़ा बहुत अच्छा जरूर लगा होगा और आप लोगों को कोई ना कोई रीजन तो जरूर मिला होगा डॉग को परचेज करने का। तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। सो टेक केयर एंड बाय बाय।